सुशांत केस में घिर गई रिया, सलाखों के पीछे बिता रही दिन, अब अंकिता लोखंडे ने साधा निशाना। ट्विटर पर साझा किया लंबा पोस्ट। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स का लेन देन और इस्तेमाल करने के आरोप में फिलहाल अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को जेल हो गई है और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है कि वो ड्रग्स का सेवन करती थी। फिलहाल रिया भायखाला जेल में है, लेकिन इन सबके बीच एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने एक नोट शेयर किया है जिसमें रिया पर निशाना साधा है। शेयर किए गए नोट में अंकिता ने लिखा कि मुझसे मीडिया बार बार पूछता है कि क्या लगता है ये कत्ल है या आत्महत्या, इसीलिए मैं साफ करना चाहती हूँ कि मैंने कभी नहीं कहा कि ये कत्ल है या इसके लिए कोई विशेष शख्स जिम्मेदार है। मैंने हमेशा मेरे दिवंगत दोस्त सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की बात कही है। मैं उसके परिवार के साथ खड़ी हूं और जांच एजेंसियों को सच बाहर लाना चाहिए। महाराष्ट्रियन और भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे राज्य सरकार, पुलिस और केंद्र सरकार पर पूरा भरोसा है। जब सार्वजनिक तौर पर मेरे लिए सौतन और विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ तो मैंने उस पर कभी जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ 2016 तक सुशांत सिंह राजपूत और उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताने के लिए आगे आई थी। मान लेते हैं कि आपको अपनी दोस्त के बारे में सब कुछ जरूर पता होगा, उसकी जिंदगी और रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, यह देखकर अच्छा लगा कि आखिरकार आप जाग गए। लेकिन काश आपको पहले होश आता और अपने दोस्त को किसी भी तरह के ड्रग न लेने की सलाह दी होती। उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता था क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था वो डिप्रेशन में थे। इतना ही नहीं, अंकिता ने रिया पर सवाल भी खड़े किए और कहा, क्या उन्हें एक डिप्रेशन से जूझ रहे इंसान को ड्रग्स का सेवन करने की अनुमति देनी चाहिए, उससे कैसे मदद होगी। उसकी हालत उस स्तर पर पहुंच गई थी जिससे एक शख्स सुशांत की तरह ही हो जाए। वह उस समय सुशांत के सबसे करीब था। एक तरफ वो कहती हैं कि वो सुशांत की बेहतरी के लिए सभी डॉक्टरों से बातचीत कर रही थी, वहीं दूसरी ओर वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स की भी बातचीत कर रही थी। आखिर में अंकिता ने लिखा कि जो ये दावा करता हो कि वो किसी से बहुत प्यार करता है वो दूसरे को ड्रग्स लेने के लिए कहेगा, जबकि उसे सामने वाले के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता हो। क्या आप ऐसा करेंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई करेगा, तो क्यों न इसे लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकत मानी जाए। बता दें कि सोशल मीडिया पर अंकिता का ये नोट तेजी से वायरल हो रहा है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।